हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंटली सेफ होंगे। अभी टाइम है 9:00 इन द मॉर्निंग। हम लोग, मैं और आदित्य, निकल गए हैं नर्सरी के लिए। बहुत दिन से सोच रहे थे थोड़ा नर्सरी जाएंगे, क्योंकि कुछ पॉट्स में हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो गया था, वो रिपोटिंग करने के लिए मैं सोच रही थी। यहाँ पर आके पहुँच गई हूँ नर्सरी में। ये जो जगह में ये नर्सरी है, यहाँ पर एक के बाद एक लगभग 30 नर्सरीज होगा। और ये नर्सरी मुझे पसंद है, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स लेके मेरे विला में लगाई थी। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, सेमी इंडोर प्लांट्स और कोई प्लांट्स का वेराइटीज़ मौजूद हैं। और ये प्लांट्स का क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये तो बोलूँगे डेफिनेटली कि ये लोग जो प्राइस लेते हैं वो दूसरे नर्सरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मैं प्रीफर करती हूँ यहाँ से प्लांट्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स थोड़ा सा हेल्दी होते हैं। सो सैक्यूलेंट्स है, मॉनी प्लांट्स भरे हुए हैं। सो मैं देख रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना बड़ा ये नर्सरी है। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर बोगनविला के भी बहुत सारे वेराइटीज़ है। यहाँ से 2 बोगनविला मैं विला के लिए ली थी और 2 क्लाइंबर्स ली थी, ऑरेंज कलर का फ्लावर जिसमें है। सो मेरे बालकनी में एक बर्गंडी कलर का प्लांट से आप लोग देखे हैं। मैंने सोचा कि जो 4 पॉट्स में मुझे रिपोटिंग करवाना है, उसमें से 3 प्लांट में मैं वही सेम प्लांट्स लूँगी और उसको एक साथ रखूँगी, तो बहुत एक अच्छा वाइब्स आएगा, बहुत एक अच्छा दिखेगा हो जाएगा। सो रिपोटिंग के लिए अभी रेडी है, मैंने प्लांट्स चूज़ कर लिया। देखिए, ये जो बर्गंडी कलर का प्लांट है, इसका एक बड़ा प्लांट मेरे पास है हमारे बालकनी में। सो मैंने 3 प्लांट्स लिए हूँ। ये जो अंकल है इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैंने उनको खत डाल के पूरा रेडी करने के लिए बोल रही हूँ। ये जो प्लांट अंकल के हाथ में है, वो एक बहुत अच्छा वेराइटी का प्लांट है, जिसका पत्ते का कलर हर सीजन में चेंज होता रहता है। सो मैंने इसको ली हूँ। देखिए, जो एकदम टॉप में जो पत्ते हैं वो पूरा रेड कलर का है। उसको ख़त्म करके हम लोग आए हैं ये पॉट्स देखने के लिए। मैं तो पॉट्स देख रही थी, मुझे लगा कि नॉर्मल पॉट्स से 1.5 times माने 1.5 times ये इसका प्राइस ज़्यादा है। सो फाइनली ड्रॉप कर दिया पॉट खरीदने के लिए और चले घर में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेफ होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। आज है मंडे मॉर्निंग, बैक टू रूटीन। आदित्य ऑफिस चले गए हैं और मैं अभी हनी को लेकर नीचे गई थी वॉक करवाने के लिए, बट मैं खुद ही वॉक नहीं कर पाई प्रॉपरली। आज इवनिंग को मैनेज करूँगी, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं था। सो वो मेरे फ़ोन में हेल्थ ऐप है, जिसमें रिकॉर्डिंग होता है पूरा आपका स्टेप्स वगैरह। सो मैं नीचे जाके रियलाइज़ की कि मेरे फ़ोन में बैटरी मैंने चार्ज कम है, तो वॉक नहीं कर पाऊँगी। ऊपर आई, एक्चुअली किचन में थोड़ा काम है, मैं चिकन बना रही हूँ। आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा क्लिप्स ऐड कर दूँगी चिकन का। और ये दोनों मेरी महाराजा स्पार्कल एंड किटू यहाँ पर है। किटू आ जाओ, ये है हमारे महाराजा और स्पार्कल महाराजा। मेरे पास रहने के लिए कभी भी उसका मूड नहीं होता है, वो बेड के ऊपर जंप करेगा, बदमाश। सो चलो, बाप रे। सो यही है मॉर्निंग का शुरुआत। आप लोगों को जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ कि मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग इतना बोरिंग होता है कि 2 दिन के छुट्टी के बाद वो बोलने का लायक और कुछ नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। घर पूरा सुना सुना है, शुभम नहीं है, शुभम भी चला गया है, आदित्य ऑफिस चले जाते हैं, घर पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। ये तीनों के साथ टाइम कट जाता है। फिर भी आज किचन में काम है, तो वो काम भी मुझे 1 घंटा का काम है, उसको ख़त्म करते करते टाइम हो जाएगा। आज मैंने अभी तक नहाई नहीं हूँ, मैं जाऊँगी नहाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद बाकी सब काम अभी किचन के काम ख़त्म करने के बाद करूँगी, अभी नहीं। सो वही है। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का था, तो जो सावित्री अमावस्या वीडियो में, जो सावित्री पूजा का वीडियो में, मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे DM किए हैं कि मैं जो नेकलेस पहनी हूँ वो कहाँ से ख़रीदी हूँ, और वो नेकलेस को दोबारा दिखाने के लिए। वो जो नेकलेस है वो GRT से ख़रीदा हुआ है। वो
मैं मेरा जो गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो है उसमें मैंने उसको इंक्लूड की हूँ, फिर भी आप लोग देखना चाहते हो तो टाइम मिलेगा तो ये वीडियो में मैं क्लोज एक लुक उसका डाल दूँगी या आप लोगों को और एक बार दिखा दूँगी। बहुत दिन पहले हो जाएगा, 6-7 साल पहले मैंने इसको खरीदी थी। मेरे पास वो वाला नेकलेस दो है, पर्टिकुलरली GRT ज्वेलर्स जो है ना बैंगलोर में है, बहुत सारे अलग सिटी में भी हुए होंगे, तो उसमें वो टाइप का नेकलेस मिलता है, बाकी सब जगह में नहीं मिलता है। बट ये एक बहुत अच्छा लुक देता है, वो जैसे थोड़ा सा वो चोकर का लुक देता है, वो साउथ इंडियन टाइप का लुक ही आता है उसमें। बट वो साड़ी के साथ एक ही पहनो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो उसके साथ एक लंबा वाला चेन विथ पेंडेंट आप पहनोगे तो पूरा गला भर जाएगा। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं बहुत कम हैवी ज्वेलरी तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे लाइट वेट का ज्वेलरी पसंद है, इसलिए मैंने ढूंढ ढूंढ के ऐसा वाला ज्वेलरी खरीद जिसको मैं आराम से कैरी कर सकूं। कोई भी ज्वेलरी खरीदो और उसको यूज़ नहीं कर पाओ उसका मतलब कुछ नहीं होता मेरी अकॉर्डिंग टू मी। कुछ लोग उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदते हैं, बट मैं बोलूँगी इन्वेस्टमेंट पर्पस में आपको खरीदना है, उसको लॉकर में रखना है तो बेहतर है कि गोल्ड बिस्किट खरीदे या गोल्ड कॉइन खरीदे। ज्वेलरी आप जो खरीदते हो उसको यूज़ करना चाहिए, जो ज्वेलरी यूज़ नहीं कर पाते हम लोग को ऐसे रह जाता है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पर फिर भी छोड़िए, वो सब डिस्कशन में नहीं जा रही हूँ। आप लोगों को वो जो नेकलेस अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, वो नेकलेस को मैं दोबारा ये वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी। अभी जाती हूँ किचन में जाके चिकन आप लोगों के लिए सूट करूँगी, कैसे बना रही हूँ सिंपल तरीके से। सो उसके बाद आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अभी किचन में चिकन कषा बनाने के लिए। इसके लिए मैं 1 किलो मीडियम साइज़ का चिकन लेके उसको धो के उसमें सॉल्ट, टर्मरिक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और मस्टर्ड ऑयल देके मैरिनेट करके रखी हूँ। अभी कढ़ाई में मैं ली हूँ 2 टेबलस्पूनफुल ऑयल, इसमें डाली हूँ 2 तेज़पत्ता, हरी इलायची, लौंग एंड होल पेपरकॉर्न। वो थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें मैं डाली हूँ 4 मीडियम साइज़ का अनियन जिसको मैंने बारीक कट करके रखी हूँ, फाइनली चॉप करके रखी हूँ। उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग को फ्राई करना है। उसके बाद हम लोग को डालना है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं ऐसे बना के घर में रखती हूँ, ये इसमें से बहुत एक अच्छा अरोमा आता है जो खरीदा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट से नहीं आता है। आप यही जिंजर गार्लिक पेस्ट को कुछ लोग फ्रीज में क्यूब बना के रख देते हैं, सो डीप फ्रीज में बहुत दिन तक जाएगा, बट मुझे वो पसंद नहीं है। मैं फ्रेशली पिसा हुआ जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसको यूज करती हूँ मेरे रेसिपी में। और 2 दिन के लिए मैं बनाती हूँ, 2 दिन में ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं फिर फ्रेश प्रिपेयर कर लेती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ जब तक उसका रॉ स्मेल चला ना जाए, ये 2 से 3 मिनट लगेगा। अभी हमारा मसाला रेडी है, अभी इसमें हम डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। मैरिनेटेड चिकन में मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐड की हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसमें 1 टेबलस्पून दही भी डाल दीजिए। बट दही डालने के बाद इसमें टमाटो आप यूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके स्वाद के ऊपर है, कभी कभी ये ज़्यादा खट्टा हो जाता है, सो बैलेंसिंग को आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दही दे के मैरिनेट नहीं की हूँ इसलिए मैं टमाटो प्योरे यूज़ करूँगी। यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन के साथ मैरिनेटेड चिकन को हाई फ्लेम में मुझे 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। ऐसे करने से क्या होता है ना, इसके ऊपर एक क्रस्ट आ जाता है। आप चिकन डालने के बाद उसको लो फ्लेम में रखेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। अभी हाई फ्लेम में 5 मिनट उसको फ्राई करने के बाद मैंने गैस का फ्लेम को लो बना दिया और इसको लीड दे के ढक दिया। सो 3-4 मिनट के बाद ढक्कन निकाल के मैं आप लोग को चिकन का टेक्स्चर दिखा रही हूँ। ये ऑलरेडी 50% कुक हो गया है। इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाला में हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड चिकन मसाला। चिकन मसाला मैंने 1 स्पून डाली हूँ, बाकी 1/2 स्पून करके डाली हूँ। पाउडर मसाला को चिकन के साथ अच्छा से मिक्स कर लेंगे और उसको लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद आप देखोगे चिकन का टेक्सचर, कलर दोनों चेंज हो जाएगा, उसमें से बहुत अच्छा अरोमा निकलेगा। तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि चिकन ऑलरेडी 50-60% हो गया है। जब आप देखोगे कि चिकन
हाफ से ज़्यादा बॉयल हो गया है, उसके बाद हम लोगों को इसमें टमाटो प्योरी ऐड करना है। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ का टमाटो का प्योरी ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो फाइनली चप करके भी डाल सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी छिलका मुँह में आ जाता है, सो मैंने इसको प्योरी करके डाल रही हूँ। ये कच्चा टमाटो है, उसको कुक होने के लिए 3 से 4 मिनट लगेगा। उसको चिकन के साथ मिक्स करके हम लोग लीड दे के फिर 3 मिनट छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद लीड उठा के आप देखोगे तो चिकन का जो ऑयल है वो किनारे पे आ जाएगा। चिकन ऑलमोस्ट हमारा डन है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, 1/2 टेबलस्पून फुल ऑफ देसी घी और थोड़ा सा गरम मसाला। ये चिकन कसा का जान है, इसको डालने के लिए मत भूलिएगा। ये बहुत एक अच्छा अरोमा उसमें से निकलेगा। हम लोग इसको चिकन कसा बनाते हैं, इसलिए हम लोग को ग्रेवी नहीं चाहिए। मेरा गर्मा गर्म चिकन कसा रेडी है, आप लोग ज़रूर बताना कैसे लगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी आ गई हूँ घर पे, पार्लर गई थी, थोड़ा सा नेल एक्चुअली फाइलिंग करने का था। बहुत ही तो सोच रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज 6 o'clock का अपॉइंटमेंट ली थी, जाके करके आई। आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा नेल पेंट कैसे लग रहा है। ये है मेरा नेल पेंट, सो थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस बार मैं यूज की हूँ, आप लोगों को पास में से दिखा रही हूँ। एक एक्वा ब्लू कलर है, लाइट एक्वा ब्लू कलर के ऊपर मैं थोड़ा सा जो जिंक का कोटिंग दी हूँ। सो आप लोगों को कैसे लगा मेरा नेल पॉलिश ज़रूर बताना, नेल पेंट। और मेरा जो टोज है उसमें मैं दूसरा कलर का नेल पेंट लगाई हूँ, बैक कैमरा में आप लोगों को दिखा दूँगी। सो ये सब हो गया, काम ख़त्म हुआ। यहीं पे भी जाओ कुछ ना कुछ टाइम वहीं पर, एक्चुअली जो मैं यहाँ से एस्टिमेट करके गई थी 15-20 मिनट में हो जाएगा, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ा अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी। उसके बाद एक्चुअली सब करते करते थोड़ा सा मैंने 45 मिनट्स हो गया। अभी काम है किचन में, बट मैंने सोचा कि मैं वहाँ से आई ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, और नेल पेंट लगाने का टाइम थोड़ा सा क्लिप ली हूँ, उसको अटैच कर दूँगी। अभी जो मेन रीजन के लिए मैं कैमरा ऑन करके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ वो है, जो सुबह आप लोगों को बोली थी कि मेरे जो सावित्री अमावस्या सावित्री व्रत का वीडियो में मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने DM किए थे वो नेकलेस के बारे में जो मैं पहनी थी साड़ी के साथ। सो मैंने बोली थी मुझे टाइम होगा तो मैं ये उसका क्लोज व्यू यहाँ पे दिखा दूँगी आप लोगों को। आप लोगों को जैसे मैंने बताई वो GIT से ख़रीदा हुआ है, जस्ट मैंने मैं यहीं पे रखी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। ये मालाबार गोल्ड का कवर में है, बट मालाबार से नहीं खरीदा हुआ है ये, ये खरीदा हुआ है GIT से। मैंने आप लोगों को नेकलेस एकदम पास में से दिखा रही हूँ, एकदम इंट्रिकेट डिज़ाइन है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट नेकलेस है। और इसका और एक भी है, बट और एक जो है ना वो अभी मेरे पास नहीं है घर में, जब लाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत मैंने यूनिक डिज़ाइन है, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास ये है। यहाँ पे एक टैसल लगा हुआ है, आप लोग आपका जो लेंथ को कम बेसी कर सकते हैं। और एक बार दिखा रही हूँ एकदम पास में से, मेरे फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किए थे उसको दिखाने के लिए, मैं एकदम आपको पास में दिखा रही हूँ। आप GIT जाइए, GIT बहुत सारे जगह में उनका आउटलेट है, आप GIT जाके ये नेकलेस के लिए सर्च करोगे या उनको पूछोगे तो वो लोग बोल देंगे। तो ये जैसा मैंने आप लोगों को बोली, बहुत पुराना नेकलेस है, मतलब हो गया है मेरा 6-7 साल तो हो ही गया होगा। सो इसको मैंने बहुत संभाल के रखी हूँ, क्योंकि साड़ी के साथ एक पहनो तो एकदम अच्छा लगता है। हर किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ आप साड़ी पहन रहे तो एक लंबा सा चेन भी आप डाल सकते हो ये के साथ, लॉकेट के साथ, सो और अच्छा लगेगा। मेरे पास जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैंने खरीदी जो चेन लॉन्ग चेन विथ पेंडेंट, उसको इसके साथ पेयर अप करने से और अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे प्रिफरेंस दिया जाए तो मैं खाली इसको पहनूंगी। सो आप लोग को चाहिए तो जरूर GIT में जाके खरीद सकते हैं आप लोग। ये हो गया मेरा नेकलेस के बारे में बताना, बट उसको कितना एग्जैक्टली प्राइस था क्या था मुझे एक्चुअली याद नहीं है, रहता तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती, तो आप जाके GIT में इंक्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये हो गया नेकलेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए था, और था वो साड़ी के बारे में, हाँ मैं भूल ही गई थी, वो साड़ी के बारे में भी एक दो क्वेश्चन आया था।
वो एक जर्जेट साड़ी है, मैंने उसको नहीं खरीदा, मैंने वो ब्लॉग में शायद आप लोगों को बोली कि वो मेरी को सिस्टर ने मुझे गिफ्ट में दी थी, उड़ीसा से खरीदा हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि वो उड़ीसा से उड़ीसा में रहती है, सो वहाँ से मुझे दी थी, मैं बहुत दिन से दी थी, मैंने उसको पहनी नहीं थी, सोचा पूजा है सो पहन लूँ। वो भी एक नया साड़ी था, उसका ब्लाउज पीस अभी तक मैंने स्टिच नहीं किया, जैसे आप लोगों को बोली वो ब्लैक ब्लाउज के साथ मैंने पेयर करके पहनी थी, बट वो जो बंधनी प्रिंट का है और ओडिशा से खरीदा हुआ है, मैं उसको पूछूंगी कहाँ से खरीदी, मेरे जो फ्रेंड्स ओडिशा को बिलोंग करते हैं उनको मैं बोल दूंगी और एक ब्लॉग में कि वो कहाँ से खरीदी थी वो वाला साड़ी। सो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, प्राइस वो गिफ्ट है इसलिए प्राइस के बारे में मुझे नहीं मालूम। आप लोग पूछे थे वो रानी, एक्चुअली वीडियो में थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा था, वो हॉट पिंक के ऊपर गोल्डन कलर का और एक मस्टर्ड येलो कलर का प्रिंट था बॉडी में, और जो आंचल है उसमें गोल्डन कलर का कुछ काम हुआ था, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मैंने इतना हल्का है कैरी करने के लिए उसको, वो साड़ी को कैरी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी, और ओडिशा में जो लोग रहते हैं वो तो इतना गर्मी है, इतना पसीना पसीना निकलता है, ह्यूमिडिटी इतना हाई है कि आप लोगों को जर्जर साड़ी ही पहनने के लिए अच्छा लगेगा। मुझे पूछा जाए तो मुझे सिल्क से ज़्यादा जर्जर साड़ी अच्छा लगता है, बट वो थोड़ा सा एलिगेंट होना चाहिए, वो थोड़ा सा मेरा चॉइस के मुताबिक होना चाहिए। मैं अभी आपको जो बोल रही हूँ वो सही बात है, जो चीज़ मुझे मैं अच्छे से कैरी कर पाती हूँ वो मुझे अच्छा लगता है, ना कि उसका प्राइस, ना कि वो इतने पैसे से खरीदा गया, वो दुकान से खरीदा गया, वो ब्रांड से खरीदा गया, ये सब मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। कभी कभी मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांडेड चीज़ अच्छा नहीं है, ब्रांडेड चीज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ब्रांडेड चीज़ें हैं, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो पहनने के लिए जो भी आउटफिट आप पहनते हो, जैसे ये एक वन पीस ड्रेस है, इसको पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं आराम से कैरी कर सकती हूँ, तो इसको मैं क्यों नहीं पहनूँ, दूसरों को ये अच्छा नहीं लगता तो वो उनका प्रॉब्लम है, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे ऑल राइट्स है कि मैं उसको पहनूं। सो वही चिंताधारा के साथ, वही थॉट्स के साथ मैं बोलूँगी कि साड़ी भी वही सेम चीज़ है, वेस्टर्न क्लोथ्स भी सेम चीज़ है, इंडो वेस्टर्न या ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी वही चीज़ है, जो आपको अच्छा लगे, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको जरूर कैरी करना। आज के लिए अब ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, अभी मुझे जाना है, किचन में काम है, आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं गई थी नर्सरी का क्लिप भी आपके लिए डाल दिया, नर्सरी से क्या क्या प्लांट्स लाया, शायद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऐड कर दूँगी आप लोगों के लिए। सो कुछ चार प्लांट्स मैं लेके आई हूँ, बट दो वेराइटी का है, एक वेराइटी का तीन है और एक वेराइटी का एक है, उसको बालकोनी में ऑलरेडी सेट कर दी मैंने, आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जब जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगी मेरे चैनल में आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल, फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग के साथ।